गुड मॉर्निंग. टुडेज अवर टॉपिक एक्सरसाइज 9, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स. प्लीज रीड दिस. वी नो दैट द मल्टीप्लिकेंट्स एंड द मल्टीप्लर्स यूज्ड इन ऑल द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. देखिए इसका क्या मतलब है कि हम फैक्टर किसको बोलते हैं जो एक ही टेबल में आ जाता है. जैसे यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है फैक्टर्स ऑफ 6. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 6 जो है वो किस किस की टेबल में आता है. तो 1 के टेबल में भी आएगा 1 6 जा 6, 2 की टेबल में भी आएगा 2 3 जा 6, 3 के टेबल में भी आएगा 3 2 जा 6, और 6 के टेबल में आएगा, क्योंकि 4 और 5 के टेबल में 6 नहीं आता है. तो यहाँ पे ये दिखाया है कि 6 जो है वो किस किस के टेबल में आता है. फिर यहाँ फैक्टर ऑफ 15 बताया है. तो 15 देखिए किस में आता है, 1 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है. 3 5 जा 15. फिर 4 की टेबल में 15 नहीं आता है. फिर 5 के टेबल में आता है, 5 3 जा 15. 6 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 की टेबल में भी नहीं आता है, 8 9 10 11 12 13 14, इतने तक में 15 जो है वो नहीं आता है. फिर 15 कहाँ आता है, खुद की टेबल में, 15 1 जा 15. तो इसी प्रकार आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आपको क्या बताना है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 गिवन नंबर्स इन ईच. मतलब आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से आपको दोनों को देखना है और वो फैक्टर लिखना है जो एक ही टेबल में 6 भी आ जाए 15 भी आ जाए. तो देखिए 2 की टेबल में 6 तो आता है लेकिन 15 नहीं आता है, तो 2 की टेबल फैक्टर में आंसर नहीं होगा. फिर 3 की टेबल में देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 तो आ गया. फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 15 भी आ गया. तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3. तो देखिए मैं यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ आपको एक्सरसाइज 9.1. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 एंड 15, इनका कॉमन फैक्टर निकालना है. मींस ये कौन से एक ही टेबल में आएंगे कॉमन फैक्टर. ओके, तो 6 एंड 15, तो 6 2 की टेबल में नहीं आता है लेकिन 15 नहीं आता है, और 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3. इसका आंसर हो जाएगा 3. ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 24 एंड 40. क्वेश्चन लिखते हैं 24 एंड 40, यही है क्वेश्चन. ये देखिए अब आपको क्या देखना है कि 24 एंड 40 कौन से एक ही टेबल में कॉमन आता है. तो देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा हमेशा कि एक ही टेबल से दोनों को काटना है ना. यहाँ पे आपको देखना है कि ये कौन कौन सी टेबल में आते हैं, 6 एंड 15 जो है वो कौन कौन सी टेबल में आएंगे. तो देखिए 1 में भी आएगा और 3 में भी आएगा, क्योंकि 1 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा 15 भी हो जाएगा, तो 1 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा. 24 एंड 40 ये किस किस की टेबल में आते हैं, देखिए 1 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, 3 में नहीं आएंगे, 4 में नहीं आएंगे. हाँ 4 में आएंगे, आप इनको डिवाइड करके भी देख सकते हो, है ना. 1 में आया, 2 में आया, 4 में आया, फिर 5 6 7, इन तीनों में नहीं आएगा, फिर 8 में आएगा. तो ये आप डिवाइड करके भी देख सकते हो. देखो यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क बताती हूँ. जैसे 1 से तो आप कंफर्म हो जाएगा, 2 की टेबल से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड आराम से हो जाएगा. ऐसे हम डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, है ना. देखिए ये पूरा क्रॉस हो गया 24. अब 40 का भी डिवाइड करके देखिए, 2 से 2 2 जा 4 क्रॉस हो गया, 0 नीचे उतरेगा तो ये 0 जो है हम यहाँ बैठा देंगे. तो ये दोनों जो है 2 से गया, इसका मतलब यहाँ 2 आंसर ठीक है. फिर 4 को भी आप इसी प्रकार दोनों को डिवाइड करके देखोगे, 8 को भी दोनों को डिवाइड करके देखोगे तो ये पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, तो इसके जो फैक्टर है वो 1 2 4 8 हो जाएंगे. इसी प्रकार आपको A to H तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं.